सब्सक्राइब कीजिए एसएससी एग्जाम वॉरियर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एनक्लरी कांस्टेबल से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में वाटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या करवाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के अंदर, कैसे आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा और किस तरीके से आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग 60 नंबर का जो पेपर गया था उसमें आप लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। अब आप लोग को 40 नंबर का ट्रेड टेस्ट देना होगा और आप लोगों का टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखिए, आप लोग का पहले तो इसके लिए फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और कुछ ग्रुपों के अंदर फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक साथ कंडक्ट कराया जा रहा है। ग्रुप ए, बी और ई का आप लोगों जो है रिजल्ट आया है, उसके अंदर आप लोगों जो है एडमिट कार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं। ग्रुप ई में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोगों का जो फिजिकल है एक साथ होगा। तो देखिए, ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होगा उसके लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो से आप लोग जितनी भी जानकारी मिलती है उससे आप लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगे ट्रेड टेस्ट के अंदर, और आप लोग थोड़ी मेहनत कर लेते हैं जो हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, तो उससे आप लोग 30 से भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर। आरपीएफ में जो वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले देखिए आप लोग आटा गूंथने को कहा जाएगा। आटा गूंथते वक्त आप लोगों को जो है बातों का ध्यान रखना है, वो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को आटा गूंथते वक्त ये देखना है कि आप लोगों को जो आटा है वो आप लोगों के बर्तन पर ना लगे और आप लोगों के हाथों पे आटा ना लगे। आप लोग जो नेल हैं वो कटे होने चाहिए। फिजिकल हाइजीन का इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। अगर आप लोग फिजिकली हाइजीन नहीं है तो आप लोगों को वहीं से वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर सुनने को आ रहा है और ऐसा ही हर किसी ट्रेड टेस्ट में होता है। तो फिजिकल हाइजीन का हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करनी है, पूरा चार्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा। अब देख लेते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों को आटा के लिए आप लोगों को जो है लोई बनानी है, आटा का डो बनाना है और रोटियां बनानी है। तो आप लोगों को एक से दो रोटियां बनाने को दे सकते हैं, तीन रोटियां बनाने दे सकते हैं, जितना आटा दिया जाएगा उतनी आप लोगों को रोटियां बनाने को कहा जा सकता है। इसके अंदर आप लोगों की रोटियां बनाने के बाद देखिए आप लोगों का टेस्ट आगे से शुरू होगा। इसके अंदर आप लोगों को बातों का ध्यान रखना है, आप लोगों को जितना आटा दिया जाए उतने का आप लोगों को डो नहीं बनाना, उसमें से आप लोग कुछ आटा बचा लेना है जिससे आप लोग रोटियां बेल सकें, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट आटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को डो बना लेना है, कुछ आटा आप लोगों को शेष कर लेना है जिससे आप लोग डो के साथ आप लोग रोटियां बना सकें। आप लोगों को नाइफ के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, नाइफ बहुत टाइप्स के होते हैं, आप लोगों को वहां पर इतने ज़्यादा नाइफ नहीं दिखाई जाएंगे। ये आप लोगों का जो हॉस्पिटलिटी का हिस्सा है, यानी आप लोग फूड प्रोडक्शन के अंदर ये नाइफ आते हैं। अब इन नाइफों के अंदर देखिए शुरुआत होती है कार्विंग नाइफ से, स्मॉल लार्ज सभी नाइफ होते हैं। आप लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑल पर्पज नाइफ होता है वो ये वाला नाइफ है, तो आप लोगों को ये वाला नाइफ वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा कटिंग के लिए। और आप लोगों के बाकी नाइफ प्रोवाइड किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। आप लोगों का जो है 30-40% चांसेस है कि वहां दिखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा सुनने में नहीं है कि वहां पर इतने सारे नाइफ दिखाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही नाइफ यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं आगे आप लोगों का क्या होने वाला है। आप आगे आप लोग जो है टेबल के ऊपर सारे इंग्रेडिएंट रखे होंगे, आप लोग की वेजिटेबल्स स्पाइसेस सभी चीज वहां पर पा जाएंगी और आप लोगों को नाम पूछने को कहा जा सकता है। जैसे आप लोग कुछ नाम तो आप लोगों को पता है पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ये आप लोगों को पता ही होता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को बहुत कम कैंडिडेट जानते होंगे ब्रोकली किसको बोलते हैं या फिर स्वीट कॉर्न किसको बोलते हैं। तो ये सब आप लोगों को वहां पूछने को कहा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग जो होती है कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स में आप लोगों को देखिए बहुत सारी वेजिटेबल्स के टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोगों जो है ये डाइसिस हैं, जो डाइसिस काटी गई हैं, ऊपर आप लोगों की चॉपिंग की गई है, आप लोगों ये भी आप लोगों की चॉपिंग की जा रही है। अब पोटैटो की देखिए आप लोगों की जो है फिंगर्स होती हैं, डाइसिस होती हैं, स्लाइसिस होती हैं, तो वहाँ कुछ भी कटिंग आप लोगों को दी जा सकती है। उसके लिए अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं ना, आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी चॉपिंग से रिलेटेड, तो आप वहां से भी डिस्कशन कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई कराना हमारा मकसद है, ये नहीं है कि हम सारे सब चीज आप हमारे यूट्यूब से ही प्रोवाइड करें। आप लोग किसी भी यूट्यूब जरिए से आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो होगा वॉशिंग ऑफ वेसल्स होगा। तो देखिए वॉशिंग में आप लोगों जो है गंदे बर्तन भी दिए सकते हैं और साफ बर्तन भी दिए सकते हैं। आप लोगों ये बर्तन कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर आप लोग देखिए, अगर सबसे पहले आप लोग ट्रेड टेस्ट लेते हैं तो आप लोग को 100% ये उम्मीद है कि आप लोग गंदे बर्तन दिए जाएंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं चौथे या पाँचे ग्रुप में भर्ती होते हैं, तो चौथे या पाँचे ग्रुप में जो है उम्मीद जताई जा रही है कि वही बर्तन आप लोगों को दोबारा साफ करने को कहा जा सकता है, तो उसके अंदर आप लोगों को प्लस पॉइंट मिल सकता है। अब आप लोग जो है गंदे बर्तन वहाँ सिर्फ आप लोगों का प्रोसीजर चेक किया जाएगा, वो एक बार में पहचान पाएंगे कि आप लोग सच में बर्तन साफ करते हैं, आप लोग सच में वाटर करियर से इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अब देखिए आप लोगों को जो है
जो बर्तन साफ करने हैं उसमें आप लोगों को जो है सर्फ भी दिया जा सकता है, लिक्विड भी प्रोवाइड करा जा सकता है, को अलग अलग केमिकल्स भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो वो आप लोगों को ऐसा भी कर सकते हैं कि वो सभी केमिकल्स को एक साथ रख दें और आप लोगों से पूछ लिया जाए बर्तन साफ करते वक्त कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो आप लोगों को वो भी बताना है। स्क्रबर के टाइप भी आप लोगों को याद रखने हैं, कौन कौन से स्क्रबर आप लोगों को यूज करने हैं। देखिए स्क्रबर में आप लोग जो है ये प्लास्टिक स्क्रबर हैं, कुछ आप लोगों जो है स्टील स्क्रबर भी आते हैं और अदर टाइप्स के स्क्रबर भी होते हैं, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए आप लोगों को जो नेक्स्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर ये चार्ट मिल जाएगा जिसके अंदर हम बता जा कर रहे थे वाटर कैरियर के बारे में बात। तो वाटर कैरियर में हम वॉशिंग्स बता चुके हैं, वेसल्स के बारे में, नीडिंग ऑफ आटा, आटा गूंथना बता चुके हैं, चपाती बनाना बता चुके हैं, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स बता चुके हैं। अब देखिए आप लोगों को कुकिंग हमने अभी तक बताया नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुकिंग में आप लोगों को राइस आप लोगों को मोस्टली जो है बॉयल करने को कहा जा सकता है और आप लोगों को रेसिपी नहीं पूछी जाए किसी की। राइस बॉयलिंग में देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को राइस को धोना जरूरी है, ऐसा अगर आप लोगों ने कर दिया बिना धोए आप लोगों ने राइस रख दिए तो आप लोग 100% अनक्वालीफाई किए जाएंगे। आप लोगों को इनके बाद करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट इसके अंदर चलना है। नेक्स्ट में आप लोगों को जो है राइस बॉयल करने हैं, तो राइस ज़्यादा बॉयल नहीं करने हैं क्योंकि ज़्यादा बॉयल करने से राइस ख़राब हो सकते हैं और आप लोग उनका जो है वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है वो एक दूसरे से ना चिपकें और अलग अलग हों सभी राइस और आप लोगों को अच्छी तरीके से बॉयल हों और एक अच्छे जो है प्रेजेंटेशन दें वहाँ पर राइस बॉयल करने के बाद। अब देखिए आप लोगों की जो मेन बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो की, वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आप लोगों को देखिए क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन में आप लोगों को जो अपने हेयर से वहाँ आप लोगों को टोपी पहनाई जाएगी, जो सेफ कैप बोली जाती है वो आप लोगों को दी जाएगी। अब सेफ कैप आप लोगों को पहनने का तरीका होता है, आप लोगों को जो हेयर्स हैं वो आप लोगों जो है सेफ कैप के अंदर होने चाहिए और किसी भी मेल कैंडिडेट के हेयर ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और फीमेल कैंडिडेट भी अपने हेयर्स जो बड़े हैं उनको सही तरीके से मेंटेन करके जाएँ। अब आप लोगों की नेक्स्ट होती है कानों के अंदर कोई बाली पहनकर नहीं जानी है, मेल या फीमेल कैंडिडेट किसी को भी। अब देखिए कैंडिडेट हम आगे बता, नेक्स्ट बात आती है आप लोगों की जो है ड्रेसेस की, तो ड्रेसेस आप लोगों की कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग वहाँ खाना बनाने जा रहे हैं, अगर आप खुद ही ग्रूम नहीं हो पाएंगे तो आप लोग खाना किस तरीके से अच्छा बना पाएंगे। आप लोग जो है कहीं से आप लोगों को वॉन्ट नहीं होना चाहिए, घाव नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पर आप लोगों का कटा हुआ है तो उस पर आप लोग इस तरीके से बैंडेड पहन सकते हैं। अब देखिए नीचे आप लोगों जो नेल्स के बारे में बताया गया है कि आप लोगों के जो नेल हैं वो ज़्यादा पेंटेड नहीं होने चाहिए या फिर बड़े नहीं होने चाहिए, आप लोग इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वहाँ जरूर चेक किया जाएगा। और आप लोगों की जो टॉर्न क्लॉथ नहीं होने चाहिए तो आप लोगों के द्वारा बताए गए हैं, तो ये सब आप लोगों की पर्सनल हाइजीन में आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक और बात, आप लोगों को चप्पल पहन के नहीं जाना है, आप लोगों को शूज़ पहन के जाना है। आप लोग रेस बेशक बिना चप्पल से करें लेकिन आप लोग ट्रेड टेस्ट में जरूर शूज़ पहन के जाएँ क्योंकि ये वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो पर्सनल ग्रूमिंग आप लोगों की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेड टेस्ट के अंदर, उसके अलग से मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा दिखाया नहीं गया है आरपीएफ के अंदर ट्रेड टेस्ट के अंदर, लेकिन ऐसा होता है हर किसी ट्रेड टेस्ट में। आप लोग ये पर्सनल ग्रूमिंग जरूर चेक की जाती है, उसको जो है बताया नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग जो है ये वीडियो है वाटर कैरियर से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो हमारी स्वीपर से रिलेटेड आप लोगों को जल्द प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।